के थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा चार शातिर अभियुक्तों को चोरी की दो मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस सहित व 1 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। क्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है अवैध ड्रग माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर फिरोजाबाद SSP के निर्देशन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं थाना मक्खनपुर पुलिस के बिल्टीगढ़ अंडरपास पर चार अभियुक्त मोटरसाइकिल पर जाते हुए चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने 20 दिन पूर्व में नोएडा से स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को चोरी किया। मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम देते रहे, तभी मक्खनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चारों को पकड़ा गया। थाना मक्खनपुर पुलिस द्वारा बिल्टीगढ़ चौराहे पे चेकिंग की जा रही थी कल, तो उस समय जो है दो बाइकों पे चार व्यक्तियों को जब चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो उनके पास से लगभग 1 किलो के आसपास चरस मिला है, दो तमंचे मिले हैं जिनमें से एक जो है 315 बोर का है, एक 12 बोर का है, चार जिंदा कारतूस मिले हैं। और ये जो दोनों बाइकें हैं जिसपे ये लोग सवार थे, वो दोनों बाइकें जो है चोरी की बाइकें हैं। एक बाइक इसमें से जो है नोएडा से चोरी है और दूसरी बाइक जो है इसका चेसिस नंबर पता है, उसके बारे में अब पता किया जा रहा है। ठीक है, कितने समय से सर ये लोग काम कर रहे थे? ये इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास बहुत अच्छा है, 6-6 मुकदमे हैं इन लोगों पे। और इसमें से दो व्यक्ति जो हैं मनोज और अर्जुन, ये एटा कोतवाली देहात के हैं, और दो व्यक्ति बीटू और बबलू, ये कासगंज के रहने वाले हैं। सर, जो चरस मिली है उसकी मार्केट में क्या कीमत आकी जा रही है? अब देखिए, 1 किलो के आसपास जो है ये चरस है और इसकी कीमत जो होगी लाखों में होगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।